अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। कहीं एजुकेशन के अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें। आपको ये रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, इसको प्रेस करें, बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर एजुकेशन के अपडेट सबसे पहले मिल सके। BED पार्ट टू के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको जो ना रोजाना मैसेज करती हो कि ग्रुप वन का पेपर सेंड कर दे, ग्रुप टू का पेपर सेंड कर दे। आपके जो पेपर्स है ना वो सिर्फ एक ही ग्रुप के है, मतलब कि इंग्लिश के अलावा बाकी जो कोई भी स्टूडेंट है ना उनके आप पेपर सारे ये देख लें, कोई भी दो ग्रुप में पेपर नहीं है, यानी मॉर्निंग इवनिंग में पेपर नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे जर्नलिज्म का ग्रुप वन का पेपर सेंड कर दिया। आप लोग डेट शीट तो देखो, डेट शीट में ये क्लियरली लिखा है कि सिर्फ जर्नलिज्म का इवनिंग में पेपर है। ठीक है, ये बाकी भी सारे जो है ना आप सिर्फ एक ही ग्रुप में पेपर है। ठीक है, दो ग्रुप में पेपर नहीं होता। ठीक है, दो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश का पेपर होता है बीए का, और दूसरा पर्शियन ऑप्शनल का होता है बस। इसके अलावा बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनका एक एक ही पेपर होता है। ठीक है, दो ग्रुप में नहीं होता ये पार्ट टू वाले। ठीक है, तो ये जर्नलिज्म की बात होगी, जो स्टूडेंट जो मांग रहे हैं ग्रुप वन का पेपर ये उनके लिए बात थी। अब ये बात है कि मैंने कल एक गेस्ट पेपर अपलोड किया जर्नलिज्म का उर्दू मीडियम में, क्योंकि देखे ज्यादा पाकिस्तान में जाना 80-90% लोग है ही उर्दू मीडियम रखते ही उर्दू मीडियम में, तो इसलिए उनके लिए मैंने कंटेंट तैयार कर लिया। लेकिन एक दो स्टूडेंट है जिसका मैंने इंग्लिश में कमेंट्स देखा, वो भी मैंने सुबह मॉर्निंग में देखा है, वो कह रहे थे जी कि मुझे समझ नहीं आ रही। बेसिकली इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब के वर्ड को जो ना गूगल पे लिख रहे थे तो आपको उसने ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना था, इतना इशू नहीं था। यही गेस्ट पेपर आप थोड़ा बहुत उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में तैयार कर लेते, बाकी पेपर आपको पता है सवाल सेम आते हैं, इंग्लिश में भी वही सेम पूछा जाता है, उर्दू में भी वही सेम पूछा जाता है। और ये आप जो मैंने सवाल आपको बोले थे अगर आप उनको पेज के ऊपर लिख के उससे एक एक दो दो वर्ड भी निकाल के आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेते तो आपको बआसानी आपकी तैयारी हो सकती थी। ठीक है, बेसिकली बात ये है कि मैं कंटेंट या मैं वर्क जो करता हूँ ना, बेसिकली मैं स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर करता हूँ। जो स्टूडेंट ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैं उनके ऊपर वर्क कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग जो है ना मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बस ये है कि देख ली वीडियो, बस ये बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा करोगे तो फिर कैसे कोई बंदा आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, जब आप कमेंट्स करोगे, मुझे पता चले कि मेरे चैनल के ऊपर इंग्लिश मीडियम के भी इतने स्टूडेंट हैं तो मैं उसको इंग्लिश में भी गेस्ट पेपर तैयार करके इंग्लिश में सवाल तैयार करके आप लोगों को बता दूं। लेकिन बात सारी ये है कि आप लोगों को कमेंट्स करने नहीं है तो हमें पता नहीं चलना कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों के ऊपर आप खुद भी देखा करें, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, कमेंट्स किया करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा पता चलेगा हमें, और हम उसके ऊपर वर्क करके आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट मोस्टली मैंने आपको चैनल की अगर मैं चीज़ भी दिखाऊँ ना, जो चैनल खुद हमें बताता है 30% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, 70% है वो स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, बस वो वीडियोस देखते हैं, बस बात खत्म। हालांकि चैनल सब्सक्राइब करने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बस पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम बम किसी के लिए ना चीज़ें दे दो के काम अपना निकालते हैं, मतलब बस बाकियों के लिए कोई चीज़ नहीं है। बस ये पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं ना, ये हमारे लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि बस ये चीज़ की अपना मतलब निकाला और गए अपने काम से, बस ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। ये इंग्लिश में आप लोग कर लीजिएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था। अब तो टाइम कम है, वरना मैं खुद आप लोगों को इंग्लिश में कर देता। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।